बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे लगा था कि लोग सिर्फ वहीं हैं, काम नहीं हुआ यहाँ तो क्या हुआ, लोग यहाँ भी। दिल्ली की इस शाम में और खासकर रविवार की शाम आप लोग आए हैं, मैं बहुत आभारी हूँ इन तमाम उदासियों के बीच और चुनौतियों के बीच और अकेलेपन के बीच आप सबने अपना एक हिस्सा दिया है, तो उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर रहा हूं। उम्र हो गई है तो सोचा कि कुछ लिख कर लाते हैं। वरना मूड और मौका तो ऐसा ही मेरे बिना देखे बोला जाए कि खासकर एक ऐसे वक्त में जब राजनीति तमाम मर्यादाओं को ध्वस्त कर रही है, अपमान के नए नए मुहावरे गढ़ रही है, एक ऐसे वक्त में जब हमारी सहनशीलता कुचली जा रही है, ठीक उसी वक्त में खुद को सम्मानित होते देखना, दीवार पर टंगी उस घड़ी की तरफ देखना है जो टिक टिक करती है। टिक टिक करने वाली घड़ियां खत्म हो गई हैं, इसलिए हमने आहट से वक्त को पहचानना बंद कर दिया है। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारे बगल में कब कौन सा खतरनाक वक्त आकर बैठ गया है। हम बेपरवाह हो गए हैं, हमारी भी संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है कि वो सुई चुभते जा रहे हैं और हम उस दर्द को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। हम सब आंधियों के उपभोक्ता बन गए हैं, कंज्यूम करने लगे हैं। जैसे ही शहर में तूफान की खबर आती है, बारिश से गुड़गांव या दिल्ली डूबने लगती है या चेन्नई डूबने लगती है, हम मौसम समाचार देखने लगते हैं। मौसम समाचार पेश करने वाली अपने शांत और सौम्य आवाज से हम सबको धीरे धीरे आंधियों और तूफान के कंज्यूमर में बदल रही होती है और हम आंधी के गुजर जाने का बस इंतजार कर रहे होते हैं। अगली सुबह पता चलता है कि उस बाढ़ में, सड़क पर आई उस बाढ़ में एक कार फंसी थी और उसमें 3 लोग पानी के भर जाने से दम तोड़ गए इस दुनिया से। हमारे बीच ऐसे ही धीरे धीरे लोग मरना सिर्फ शमशान या कब्रिस्तान में दफन कर देना या जला देना नहीं है, मरना वो भी है, वो डर भी है जो आपको बोलने से, आपको लिखने से, आपको कहने से और सुनने से डराता है। कंज्यूमर में बदलते जा रहे हैं जो मौसम समाचार पेश करने वाली एंकरा चाहती है। हम सबको इम्तिहान के एक ऐसे कमरे में बिठा दिया गया है जहां समय समय पर फ्लाइंग स्क्वाड उड़न दस्तों की टोली धावा बोलती रहती है। वो कभी आपकी जेब की तलाशी लेती है, कभी आपके पन्ने पलट कर देखती है। आप जानते हैं कि आप चोरी नहीं करते हैं, लेकिन हर थोड़े थोड़े समय के बाद उड़न दस्तों की टोली आकर उस दहशत को फिर से फैला जाती है। आपको लगता है कि अगले पल आपको चोर घोषित कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो आसपास उठाकर देखिए कितने लोगों को मुकदमों में फंसाया जा रहा है। ये वही फ्लाइंग स्क्वाड हैं जो आते हैं, आपकी जेब की तलाशी लेते हैं और वो कभी चोर को नहीं पकड़ते, लेकिन आपको चोर बना जाने का डर आपके भीतर बिठा देते हैं। तो मुकदमे, दरोगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब आजकल बहुत सक्रिय हो गए हैं। इनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है और न्यूज एंकर हमारे समय का सबसे बड़ा थानेदार है। वो हर शाम को एक लॉकअप में बदल देता है और जहां विपक्ष, विरोध की आवाज या वैकल्पिक आवाज उठाने वालों की वो धुलाई करता है उस हाजत में बंद करके। अभी तक आप फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, फेक डिग्री में फंसे हुए थे, वो आराम से थर्ड डिग्री हर शाम अप्लाई करता है। वो एंकर आपके समय का सबसे बड़ा गुंडा है और मुझे बहुत खुशी है कि उसी समय में जब मीडिया चैनलों के एंकर गुंडा हो गए हैं,
वो नए तरह के बाहुबली हैं। इसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एंकर को सम्मानित करने का जोखिम उठा रहे हैं। आने वाला समाज और इतिहास जब आंधी और तूफान गुजर जाएगा और एंकर को गुंडे और उनकी गुंडई की भाषा और भाषा की गुंडई जो है उस पर लिख रहा हो, तो आप लोग इस शाम के लिए याद किए जाएंगे कि आप लोग एक एंकर को सम्मानित करने के लिए। तो आपकी शाम इतनी भी बेकार नहीं जाएगी। हाँ, आप जनादेश नहीं बदल सकते, पर वक्त का आदेश ये भी है, अगर वो है तो ये भी है। शुक्रिया गांधी शांति प्रतिष्ठान का। इस पुरस्कार में पत्रकारों का पसीना है। अपने पेशे के बड़ों से कुछ भी मिल जाए, समझिए दुआ कबूल हुई है। हम सब कुलदीप नैयर साहब का आदर करते रहे हैं। करोड़ों लोगों ने आपको पढ़ा है सर। आपने उस सीमा पर जाकर मोमबत्तियां जलाई हैं जिसके नाम पर इन दिनों रोज नफरत फैलाई जा रही है। इस मुल्क में उस मुल्क का नाम इस मुल्क के लोगों को बदनाम करने के लिए लिया जा रहा है। शायद वक्त रहते गुजरे जमाने में आपकी मोमबत्तियों की अहमियत नहीं समझी होगी। उनकी रोशनी को हम सब ने मिलकर थामा होता तो वो रोशनी कुछ लोगों की जुनून का नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समझ का उजाला बनती। हमने तब भी यही गलती की, अब भी यही गलती कर रहे हैं। मोहब्बत की बात कितने लोग करते हैं, मुझे तो शक है इस जमाने में लोग मोहब्बत भी करते हैं। ये सोचकर डर जाता हूं कि एंटी रोमियो दस्ते के लोगों को किसी से प्रेम हो गया तो क्या होगा। ये सोचकर डर जाता हूं कि एंटी रोमियो दस्ते के लोगों को किसी से प्रेम हो गया तो क्या हो, प्रेम की तड़प में वे किसी पुराने कुर्ते की तरह चरचरा कर फट जाएंगे। दुआ करूंगा कि एंटी रोमियो दस्ते को कभी किसी से प्यार ना हो। प्रार्थना करूंगा कि उन्हें कम से कम किशोर कुमार के गाने सुनने की सहन शक्ति मिले। शेक्सपियर की इस कहानी के नायक के खिलाफ भी जनादेश आया है आपके यूपी में। हम रोमियो की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप सब जिन्होंने कभी किसी से मोहब्बत की है, अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। उम्मीद करता हूं कि अमेरिका के किसी चुनाव में प्रेमचंद के नायकों के खिलाफ भी कभी कोई जनादेश आएगा। क्या पता आ भी गया हो, एंटी होरी एंटी धनिया दल नजर आने लगेंगे। अनुपम मिश्र जी हमारे बीच नहीं है, हमने इस सच का सामना वैसे ही कर लिया है जैसे इस समाज ने उनके नहीं होने का सामना उनके रहते ही कर लिया है। काश ये पुरस्कार मैं उनके सामने लेता, शायद उनके हाथों से। जब भी कहीं कोई साफ हवा शरीर को छूती है, कहीं पानी की लहर दिखती है, मुझे अनुपम मिश्र याद आते हैं। वो हमारे लिए एक ऐसी भाषा बचा कर गए हैं जिसके सहारे हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। प्रतिक्रिया में हमारी भाषा हिंसक ना हो जाए इसकी चिंता करने की जरूरत है, वरना दुनिया के सामने कोई अच्छी मिसाल नहीं बचेगी। उसके लिए जरूरी है कि हम फिर से अपनी भाषा को साफ करें। अपने अंदर की निर्मलता कई तरह की मालिनताओं से दब गई है, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भाषा और विचारों को थोड़ा थोड़ा संपादित करें। अपने भीतर सब सही नहीं है, उनका संपादन करें। हम संभावनाओं का निर्माण नहीं कर रहे, वो कहां बची हुई है, किस किस में बची है, किस किस ने बचाई है, उसकी तलाश कर रहे। ऐसे लोगों के भीतर की जो संभावनाएं हैं वो अब मुझे कभी कभी कातर लगती हैं। हम कब तक बचे हुए की चिंता में जीने का स्वाद भी भूल रहे हैं, बचाने का हौसला खो दे रहे हैं। अपने अकेले की संभावनाओं को दूसरे से जोड़ दिया। अंतर विरोधों का रामायण पाठ बहुत हो गया, जिससे मिलता हूं वो किसी न किसी अंतर विरोध का अध्यापक लगता है। अगर आप राजनीति में विकल्प खोजना चाहते हैं तो अंतर विरोधों को सहेजना सीखिए। बहुतों को उनके समझौतों ने अधमरा कर दिया है। आज जो भी समय है उसे लाने में उनकी भी भूमिका है, जिनके पास बीते समय में कुछ करने की जवाबदेही थी। उन लोगों ने धोखा दिया, बीते समय में लोग संस्थाओं में घुसकर उन्हें खोखला करने लगे। चंद मिसालों को छोड़ दें तो घुन का प्रवेश उनके दौर में शुरू हुआ,
विकल्प की बात करने वालों का समाज से संवाद समाप्त हुआ। समाज भी बदलाव के लिए सिर्फ एक ही एजेंट को पहचानता है, राजनीतिक दल। बाकी एजेंटों पर भी राजनीति ने कब्जा कर लिया है, इसलिए राजनीति से भागने का अब कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर कोई एक साल के काम को 100 साल में करना चाहता है तो अलग बात है। जब अच्छे फेल होते हैं तभी जनता बुरों के साथ जोखिम उठाती है। हर बार हारती है मगर अगली बार भी किसी बड़े राजनीतिक दल पर ही दांव लगाती है। गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, समाजवादी, वामपंथी और जो छूट गए हैं वो तमाम वादी, आंधियां जब भी आती हैं तब इन्हीं के पेड़ जड़ से क्यों उखड़ जाते हैं। बोनसाई का बागीचा बनने से बचिए। आप सभी के राजनीतिक दलों को छोड़कर बाहर आने से राजनीतिक दलों का ज्यादा पतन हुआ है। वहां परिवारवाद हावी हुआ, कॉरपोरेट हावी हुआ, सांप्रदायिकता से लड़ने की शक्ति न पहले थी न अब है। फिर उनके लिए अफसोस हम क्यों कर रहे हैं। अगर खुद के लिए है तो सभी को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। मैंने राजनीति को कभी अपना रास्ता नहीं माना, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर आते हैं उनसे यही कहता हूं, राजनीतिक दलों की तरफ लौटिए, इधर उधर मत भागिए। सेमिनारों और सम्मेलनों से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। वो अकादमिक विमर्श की जगह है, जरूरी जगह है, राजनीतिक विकल्प की नहीं है। राजनीतिक दलों में फिर से प्रवेश का आंदोलन करना पड़ेगा। फिर से उन दलों की तरफ लौटिए और संगठनों पर कब्जा कीजिए। वहां जो नेता बैठे हैं वो नेतृत्व के लायक नहीं, उन्हें हटा दीजिए। बेईमानी से भर चुके लोग हैं, उनके बस की बात नहीं है। उनकी कायरता, उनके समझौते समाज को दिन रात जला रही है। वो सूखी लकड़ी का काम कर रहे हैं, एक छोटी सी चिंगारी आती है उनके समझौतों के कारण सबको जलाकर चली जाती है। हम सब के पास एक अब भी इतना मानव संसाधन बचा हुआ है और इस कमरे में जितने लोग हैं वो भी काफी है कि हम राजनीति को बेहतर बना सकते हैं। पत्रकारिता के लिए पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी चंद बात कहना चाहता हूं। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज पत्रकारिता में कोई संकट नहीं है। यह पत्रकारिता का स्वर्ण युग चल रहा है। राजधानी से लेकर जिला संस्करणों के संपादक इस आंधी में खेत से उड़कर छप्पर पर पहुंच गए हैं। अब जाकर उन्हें पत्रकार होने की सार्थकता समझ आई है। क्या हम नहीं देख रहे थे कि कई दशकों से पत्रकारिता संस्थान सत्ता के साथ विलीन होने के लिए कितने प्रयास करते? हमारे न्यूज रूम में पार्टियों के एजेंट धीरे धीरे आने लगे। अब न्यूज रूम पूरा राजनीतिक दल में बदल गया है। जब वे होटल के लाइसेंस ले रहे थे, मॉल के लाइसेंस ले रहे थे, खनन के लाइसेंस ले रहे थे, तब वे इसी की तो तैयारी कर रहे थे। मीडिया को बहुत भूख लगी हुई है। विकल्प की पत्रकारिता को छोड़ अब विलय और विलीन होने की पत्रकारिता का दौर है। सत्तारूढ़ दल की विचारधारा उस विराट के समान है जिसके सामने खुद को बौना पाकर पत्रकार समझ रहा है कि वो भगवान कृष्ण के मुख के सामने खड़ा है। भारत की पत्रकारिता या पत्रकारिता संस्थान इस वक्त अपनी प्रसन्नता के स्वर्णकाल में थी। आपको यकीन ना हो तो कोई भी अखबार या कोई भी न्यूज चैनल देखिए, आपको वहां उत्साह और उल्लास नजर आएगा। उनकी खुशी पर झूमिए तो अपनी तकलीफ कम नजर आएगी। सूटेड बूटेड एंकर अपनी आजादी गंवाकर इतना हैंडसम कभी नहीं लगे। एंकराएं सरकार की तरफदारी में इतनी हसीन कभी नहीं लगी। न्यूज रूम रिपोर्टरों से खाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट में अच्छे पत्रकारों की भर्ती की जंग छिड़ी है। जो वाशिंगटन के तहखानों से सरकार के खिलाफ खबरों को खोज लाए, ऐसी प्रतियोगिता है वहां। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट की बदमाशियों से भी अवगत हूं, लेकिन उसी खराबे में यह भी सुनने को मिल रहा है, भारत के न्यूज रूम से पत्रकार विदा किए जाते हैं। सूचना की आमद के रास्ते बंद हैं। जाहिर है, धारणा ही हमारे समय की सबसे बड़ी सूचना है। एंकर पार्टी प्रवक्ता में ढलने और बदलने के लिए अभिशप्त हैं। वो पत्रकार नहीं है, सरकार के सेल्समैन हैं। जब भी जनादेश आता है पत्रकारों को क्यों लगता है कि उनके खिलाफ आया है? क्या वे भी चुनाव लड़ रहे थे? क्या जनादेश से पत्रकारिता को प्रभावित होने की जरूरत है? मगर कई पत्रकार इसे दिल्ली में कंफ्यूज घूम रहे हैं कि यूपी के बाद क्या करें। तो आप बिहार के बाद क्या कर रहे थे? आप 77 के बाद क्या कर रहे थे? आप 77 के पहले क्या कर रहे थे? आप 1947 के पहले क्या कर रहे थे और 2025 के बाद क्या करेंगे? इसका मतलब है कि पत्रकार पत्रकारिता को लेकर अब बिल्कुल चिंतित नहीं है। इसलिए काम ना करने की तमाम तकलीफों से आजाद आज के पत्रकारों की खुशी आप नहीं समझ सकते, आपके बस की बात नहीं है।
आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जाकर देखिए वो कितने प्रसन्न हैं, कितने आजाद महसूस कर रहे हैं आज वो किसी संस्थान किसी राजनीतिक दल और सत्ता में विलीन होकर। उनकी खुशी का कोई ठिकाना आप नाप नहीं पाएंगे। प्रेस रिलीज तो पहले भी छाप रहे थे, फर्क यही आया कि अब गा भी रहे हैं, इसको लेकर वो गाते हैं। कोई मुंबई वाला ही कर सकता है इस तरह का काम, लेकिन अब हम टेलीविजन वाले कर रहे हैं। चाटुकारिता का एक इंडियन आइडल आप कराइए, पत्रकारों को बुलाइए कि कौन किस हुकूमत के बारे में सबसे बढ़िया गा सकता है। अगली बार उसे भी सम्मानित कीजिए। जरूरी है कि वक्त रहते हम ऐसे चाटुकारितों का भी सम्मान करें। अगर आपको लड़ना है तो अखबार और टीवी से लड़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए। पत्रकारिता को बचाने के मुंह में फंसे रहने की जिद अब छोड़ दीजिए। पत्रकार नहीं बचना चाहता, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनका बचे रहना बहुत जरूरी नहीं, उन्हें बेदखल करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, मालूम नहीं कब हटा दिया जाएगा। राह चलते हुए समाज को बताइए कि इसके क्या खतरे हैं। न्यूज चैनल और अखबार राजनीतिक दल की नई शाखाएं हैं। एंकर किसी राजनीतिक दल में उसके महासचिव से ज्यादा प्रभावशाली है। राजनीतिक विकल्प बनने के लिए बनाने के लिए नए राजनीतिक दलों से भी आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ सकते तो कोई बात नहीं, जनता की भी ऐसी ट्रेनिंग हो गई है, लोग पूछने आ जाते हैं कि आप सवाल क्यों करते हैं। स्याही फेंकने वाले प्रवक्ता बन रहे हैं और स्याही से लिखने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारतीय पत्रकारिता का प्रोपेगेंडा था, मगर इसी वर्तमान में हम उन पत्रकारों को कैसे भूल सकते हैं जो संभावनाओं को बचाने में जहां तहां लगे हुए हैं। मैं उनका अकेलापन समझ सकता हूं, मैं उनका अकेलापन बांट भी सकता हूं। भले ही उनकी संभावनाएं समाप्त हो जाए, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे पत्रकार दूसरों के लिए बड़ा उपकार कर रहे हैं। जिलों से लेकर दिल्ली तक में कई पत्रकारों को देखा है जूझते, उनकी खबर भले न छप रही हो मगर उनके पास खबरें हैं। समाज ने अगर इन पत्रकारों का साथ नहीं दिया तो नुकसान उस समाज का होगा। अगर समाज ने पत्रकारों को अकेला छोड़ दिया तो एक दिन वो अपना एकांत और अकेलापन नहीं झेल पाएगा। तो जरूरत है बताकर आंख से आंख मिलाकर उस समाज को बोलने के लिए कि आप जो हमें अकेला छोड़ रहे हैं और आप जो हमें गालियां दे रहे हैं, आप ये काम हमें हटाने के लिए नहीं कर रहे, अपना वजूद मिटाने के लिए कर रहे। आप उन लोगों से इस तकलीफ के बारे में पूछिए जो आज भी न्यूज रूम में और टेलीविजन के न्यूज एंकर को मुझे रोज 10 चिट्ठियां आती हैं और हाथ से लिखी हुई आती हैं। उनकी खबरें जब नहीं होती होंगी तो वो किस तकलीफ से गुजरते होंगे और कहां कहां लिखते होंगे। ये उसी समाज का हिस्सा है। ये जो समाज पत्रकारों को गाली दे रहा है, ऐसे लोगों की तकलीफ को और बढ़ा रहा है। वो अपने ही हिस्से में जो बेचैन है उनकी बेचैनियों को, उनकी बेचैनियों के साथ उन्हें मार देने की योजना में वो शामिल हो रहा है। तो कई बार समाज भी खतरनाक हो जाता है। बहरहाल जो भी पत्रकारिता कर रहा है, जितनी भी कर रहा है, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जब भी सत्ता की चाटुकारिता से उबे हुए या धोखा खाए पत्रकारों की नींद टूटेगी और जो इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाएंगे, उन्हें ऐसे पत्रकारों की बचाई हुई संभावनाएं ही आत्महत्या से बचाएंगे। अब उन्हें लगेगा कि ये जो कर गया है मुझे वही करना चाहिए, इसी से मैं बचूंगा। इसलिए जितना हो सकता है संभावनाओं को बचा कर रखिए, अपने समय को उम्मीद और हताशा के चश्मे से मत देखिए। हम उस पटरी पर हैं जिस पर रेलगाड़ी का इंजन बिल्कुल सामने है। उम्मीद और हताशा के सहारे आप बच नहीं सकते। उम्मीद ये है कि रेलगाड़ी मुझे नहीं कुचलेगी और हताशा ये है कि अब ये तो मुझे कुचल ही देगी। वक्त बहुत कम है और इसकी रफ्तार बहुत तेज है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी किसी पुरस्कार में उनके साथ नहीं गया, आज आया हूँ।